2-0 की बढ़त टीम इंडिया के पास है। ये तीन मैचों की श्रृंखला जिसका तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला यहाँ पल्लिकेले में खेला जाएगा। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है श्रीलंका ने। प्लेइंग 11 के बारे में अजय बात कर रहे थे और ये हैं वो चार बदलाव। साफ नजर आता है ना टीम किस तरह सोच रही है। एक टीम जो जीती हुई है वो मौके देने को देख रही है और श्रीलंकाई टीम जो ढूंढ रही है कि किस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बनाए। और देखते हैं आज किस तरह की शुरुआत करते हैं। पहली गेंद इस मुकाबले की सामने है यशस्वी जायसवाल। थोड़ा सा गेंद ने पड़ने के बाद कांटा बदला था वहां। थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे जोर लगाने की कोशिश की गई है वहां। ये है यशस्वी जायसवाल। करीबी मामला है ये, बिल्कुल करीबी मामला। लिया है रिव्यू। पोट्रकी कमिंग अप, ऑर्गेनाइजेशन इज आउट, पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग, यू ऑन स्क्रीन नाउ, यू कैन मेक योर सिग्नल। विकेट तो गवाई, आपने रिव्यू भी गवा दिया। यशस्वी 10 रन बना के आउट हुए 11 पे 1। संजू सैमसन अब क्रीज पे आए हैं यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद। 2 अर्धशतक है इनके नाम। फील्डर है और वनिंदु हसरंगा गलती नहीं करेंगे। इनको पहला विकेट मिला है। रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया है। 174 का स्ट्राइक रेट है इनका। ये देखिए फंस गए ना, यहां पे फंस गए। सूर्य कुमार यादव अलग पोजीशन पे खेल रहे हैं इस मैच में। आमतौर पे इससे ज्यादा ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं। बढ़िया शॉट यहाँ पे, गैप इतनी आसानी से ढूंढते हैं ये। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, पैर छूने आए उसको जरूर आशीर्वाद दीजिए। ये शॉट पसंद है पर इस बार फील्डर ढूंढ लिया है। ये ट्रेडमार्क सूर्या दादा शॉट भी नहीं चला है। 30 पर 4 भारत। सूर्य कुमार यादव ने बनाए महज 8। शिवम दुबे आए हैं। 136 का स्ट्राइक रेट है, 31 का एवरेज, 435 रन अब तक T20 इंटरनेशनल करियर में। चलिए गुफ्तगू जारी रखेंगे। बढ़िया फील्डिंग। पतिराना तेज गेंदबाज। और यहां पे इंजरी, वो भी पाथी राणा। अब तक एक भी ओवर नहीं डाले थे वो। देखिए चौका तो उधर अड़ाया। देखिए ये नजारे अभी कोई भी खिलाड़ी पसंद नहीं करेगा। इस बार गैप में धकेला है और बढ़िया फील्डिंग भी। आज हसरंगा साहब छाए हुए हैं फील्ड में। और क्या ये चांस बन रहा है? चांस बन गया। रमेश मेंडिस की विकेट पर, क्या विकेट कीपिंग है कुशल मेंडिस की। इसी बीच अर्धशतक पूरा भारत का। प्रहार किया, ये चौका मिलेगा। इसी बीच करारा शॉट मारा शुभमन गिल ने। भाई क्लास ऑफ शुभमन गिल। फुल टॉस और फुल टॉस का कुछ ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही कुछ किया है रियान पराग ने। फिर से करारा शॉट भाई। अगर पहला वाला मजेदार था तो ये तो उससे भी ज्यादा मजेदार। अच्छी गेंद, ये थोड़ा सा रचनात्मक शॉट खेला है, देखना होगा। जी बिल्कुल, चौका मिलेगा यहां पे। लीजिए बात ही हो रही थी अभी, नजर लग गई इनकी बल्लेबाजी को। बिल्कुल छकाया फ्लाइट में। अभी आपने जिक्र किया मुश्किल पिच और उस पर स्टंप करा दिया शुभमन गिल, सेट बल्लेबाज। शुभमन गिल ने बनाए 39 102 पे 6 भारत। जी नहीं है पिच अलग, गति नहीं इस पिच में। और एक और विकेट खोया भारत ने हसरंगा। अब तो रियान पराग को कोशिश ये करनी चाहिए थी अंत तक खड़े रहें आप।
105 में सात रियान ने बनाए 26। और दिक्कत की बात यह है कि दो नए आए हुए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज में मौजूद हैं। भाई वाह क्या शॉट खेला है भाई बिश्नोई ने, इनको हल्के में ना लीजिएगा। अभी तो आप चौके देखिए यहां पे, वॉशिंगटन सुंदर पे आप भरोसा जिता सकते। दम घोटू छक्का और इस बार लेंथ जो थी वो इस तरह की थी कि ये शॉट खेलना। आखिरी गेंद और आखिरी गेंद पे रन आउट हो गए मोहम्मद सिराज, निशाना बिल्कुल सही। आपके आधार कार्ड में आपका फोन नंबर डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस गलत हो गया है, अब इसको सही करवाने सटीक था। रन आउट हुए यहां पे मोहम्मद सिराज, 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 137 रन 9 विकेट के नुकसान पे बनाए हैं भारत ने यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए। और आज का मैच के 20 ओवर किस तरह से घटे एक नजर उस पर भी डालते हैं। अच्छा मौका है श्रीलंका के पास ये मैच जीतने का, मजा आएगा ये मुकाबला देख के। 20 ओवर 138 रन चाहिए श्रीलंका को ये मुकाबला जीतने के लिए। लक्ष्य है श्रीलंका के सामने 138 रनों का, रिक्वायर्ड रेट है 6.85 का। खलील अहमद की पहली गेंद ऑन द स्टंप्स, कंसिस्टेंट भी रहे, ये देखिए किस तरीके से जैसे ही उन्हें गति मिली बहुत अच्छी तरीके से दिशा दिखाई। पहली ओवर खलील की, उसमें आए दो रन, अभी दूसरी ओवर मोहम्मद सिराज की। और ये क्या शुरुआत रही है मोहम्मद सिराज की, भाई शुरुआत हो तो ऐसी हो। बॉल वन में ऐसे ही तैयारी चाहिए। इस बार आड़ा शॉट, फिर से मिडल ऑफ द बैट तो नहीं लगी है पर शायद चौका चला जाएगा। जी हां वॉशिंगटन सुंदर थे वहां पर ही आया पहला चौका श्रीलंका। फिर से ये सही शॉट है, अच्छा टाइमिंग इस बार निशंका का। अच्छा कट किया है, बेहतरीन ओवर श्रीलंका के लिए, 15 रन आए। यह रचनात्मक शॉट खेला है निशंका ने। ओ लीजिए ये क्या कर दिया, ओहो खिलाड़ी भूल भी करता है कई बार, लेकिन वक्त जब चल ही ऐसा रहा हो ना तो आपके हाथ से फिर ऐसे भूल होने चली जाती है। बहुत बढ़िया ढंग से स्वीप शॉट खेला है, बहुत बढ़िया ढंग से। और तकलीफ में ये एक चीज आपको लेंथ चेंज करनी पड़ती है, जोड़ दीजिए तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं। सीधा यहां एक और चूक हो गई है पहले गेंदबाज से और दूसरा ये कहना पड़ेगा विकेट कीपर से भी। ये देखिए कहां थी गेंद की लाइन, क्या थी गेंद की रफ्तार और आपको सफलता मिल गई, पहली विकेट मिली है यहां बिश्नोई को। खराब गेंदबाजी, दिशा से भटके जिसके चलते बल्लेबाज को कुछ नहीं करना पड़ा। इसी बीच गैप में धकेला है दन दनाता हुआ चौका। बैक का फेस खोला है और चौका आएगा, आउटफील्ड तो तेज है। अब की बार विकेट मिलनी चाहिए, इतना सोचना पड़ा तो रिव्यू लेगा बल्लेबाज। बॉल ट्रैकिंग कमिंग अप, ओरिएंटेशन इज आउट, पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट सीटिंग, वी कैन मेक अ सिग्नल। विकेट मिल सकती है यहां पे, ओ कमाल का कैच, कमाल का कैच है रवि बिश्नोई। मिल गई विकेट आते संगी, हैट्रिक पे आ गए हैं वॉशिंगटन सुंदर। ये लीजिए दिक्कत दे दी दिक्कत,
आहा भाई वाह रिंकू सिंह, मजा आ गया, कमाल कर दिया रिंकू सिंह आपने, बड़ा शॉट खेला है और फील्डर मिल गया, विकेट की मांग की थी हमने और रिंकू सिंह को एक और विकेट मिल गई भाई वाह शुरुआत बढ़िया हुई है भाई, अच्छा शॉट सीधा रिंकू सिंह के पास, जोरदार अपील, ओ कहीं ये वाइड से बचने के लिए तो नहीं थी अपील, रिव्यू लिया है, रोल इट, ओके फ्रीज इट देयर, देयर इज अ स्पाइक, क्लियर स्पाइक व्हेन द बॉल इज नेक्स्ट टू द ग्लव, यू ऑन स्क्रीन नाउ, यू कैन मेक योर डिसीजन, बहुत बढ़िया रिव्यू, और ये भी सोच रहे होंगे मैं कहां फंस गया, जय सूर्या साहब, एक ही रन मिलना चाहिए यहां, आखिरी गेंद चार रन, ओ रन आउट, रन आउट, अपनी तरफ मारना था, अरे अपने एंड पे मारना था आपने, आखिरी गेंद तीन रन चाहिए और ये चले सूर्य कुमार यादव, तैयार रहिए सभी खिलाड़ी, दूसरे की मांग है, थ्रो बढ़िया होना चाहिए, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव गलत तरफ फेंक दिया थ्रो आपने और ये मैच हो गया टाई, 137 रन भारत ने बनाए थे, गिल ने रन बनाए रियान के 26, 25 वॉशिंगटन के, तीन विकेट तीक्ष्णा को मिली और उसके जवाब में श्रीलंका ने भी 137 ही रन बनाए अपने 20 ओवर में, मैच अब पहुंच गया है सुपर ओवर में, सामने मेंडिस और परेरा की जोड़ी रही है श्रीलंका के लिए जो आई है बल्लेबाजी करने, अरे ये वाइड, बड़ा हिट खेला है, फील्डर को ढूंढ लिया, इसीलिए कह रहे थे कि थोड़ा थके हुए नजर आ रहे थे परेरा, विकेट मिल गई वॉशिंगटन सुंदर को, बिना कुछ बना के वापस जाएंगे, पीछे फील्डर है और ये पारी यहां समाप्त, तीन रन चाहिए मैच जीतने के लिए, वॉशिंगटन सुंदर आपकी गेंदबाजी अति सुंदर, मैच सुपर ओवर में पहुंचा है और अब सुपर ओवर में ये मैच जीतने के लिए सिर्फ तीन रन बनाने हैं, चलिए हो गया काम, जीत गई है मुकाबला, पहली गेंद पे ये मैच जीत गई, श्रृंखला 3-0 से जीत ली है, साफ कर दिया यहां श्रीलंका टीम को, चेहरे पे वो भावनाएं साफ बताती हुई कि हाथ लगी सिर्फ निराशा, आए थे लेकर बड़ी आशा लेकिन हाथ लगी सिर्फ निराशा, यह कुछ हुआ था यहां इस मैच में, 137 रन के बारे में हम बात कर रहे थे, श्रीलंका भी 137 ही रन बना पाई और यह मैच गया सुपर ओवर में, दो रन बनाए श्रीलंका ने, तीन रन पहली गेंद पे, बाउंड्री लगाई सूर्य कुमार यादव ने, यह मैच सुपर ओवर में भारत ने जीत के श्रृंखला 3-0 से जीत ली।